को क्या स्ट्रेस अब शांति से देखो स्ट्रेस क्लियर हो गया ना ठीक चलो भाई जैसे ये स्केल दिख रही है ये सीधी है डिफॉर्म की है सीधी होगी डिफॉर्म की है सीधी होगी डिफॉर्म की बहुत ज्यादा करेंगे तो होगी नहीं और एक जगह टूट जाएगी तो सबके अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी ठीक आगे चलो लिखो स्ट्रेस द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस क्या बोलेंगे इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहे तो आप एरिया भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं अभी तो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या अब शांति से पहले समझ लो बच्चों शांति से पहले समझ लो जैसे सपोज करो ये बॉडी मान लो एक ये रबर है क्या है रबर क्या है शांति सुनेंगे दिमाग को पूरा अगर तुम लोग यहां रख लो ना तो तुम्हारा जो घर में पढ़ने वाला एफर्ट है ना आधे से कम पे आ जाए बस यहां समझ क्योंकि हम जानते हैं बताएं बच्चा जितना खुराफाती होता है दिमाग उसका दिमाग ये नहीं कहता कि तुम पढ़ोगे तो हम शार्प होंगे दिमाग ये कहता है कोई एक्टिविटी भी करोगे तो हम शार्प होंगे समझ गए इसलिए खुराफात जितने बच्चे करते हैं उनका दिमाग बड़ा शार्प होता है कि नहीं होता है? बोलो अब ध्यान से देखेंगे हमने इसमें क्या लगाया एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाया हम लोग अब शांति से देखेंगे शांति से और इसको थोड़ा सा स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे क्या करेंगे स्प्रिंग से ध्यान से देखेंगे फोकस होके ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे इससे हम बॉडी का शेप और साइज बिगाड़ने जा रहे हैं शेप और साइज तो इसका मतलब ये कौन सा फोर्स कहलाएगा बच्चा कौन सा फोर्स कहलाएगा डिफॉर्मिंग फोर्स बोलो सही है अब शांति से देखेंगे सब लोग इसमें वो फील नहीं आएगा इसलिए इसको लो इसको हमने खींचा छोड़ा तो क्या दिखा छोड़ा तो स्प्रिंग उधर गई बेसिक सोचो कि हुआ क्या हमने इसको ऐसे खींचा हमने छोड़ा तो स्प्रिंग उधर गई इसका मतलब स्प्रिंग को कोई पकड़ के ऐसे खींचा होगा कौन खींचा होगा दिख रहा है क्या आग से नहीं वो फोर्स स्प्रिंग में लगता तो है दिखता नहीं है क्यों क्योंकि इंटरनल क्या होता है समझ गए क्या होता है इतनी बात समझे तो अगर इस रबर को हम खींचेंगे तो खींचे तो मगर जब छोड़ेंगे तो ये वापस रीगेन करेगा इसका मतलब इसके अंदर एक फोर्स एक्ट करेगा जिसको हम बोलेंगे क्या इंटरनल बोलो बात समझ में ये इंटरनल फोर्स बॉडी को ओरिजिनल शेप और साइज दिलाने में क्या करेगा मदद करेगा हम इसी को बोलते हैं क्या रीस्टोरिंग क्या बोलते हैं समझ गए रिस्टोरिंग का मतलब समझ गए होगे अब बच्चों ध्यान से देखो स्ट्रेस का जब तुमने फॉर्मूला लिखा तो क्या लिखा इंटरनल फोर्स पर यूनिट यही तो लिखा है ना अब शांति से देखो सुनो ध्यान से हमने इसको खींचा और जब तुम ऐसे फील करो तुमने इसको ऐसे खींच लिया और ये रबर क्या मोशन कर रहा है क्या ऐसे पकड़े हो तुम इसको ऐसे रबर को ऐसे पकड़े हो रबर मोशन करेगा क्या रबर इक्विलिब्रियम यानी कि रेस्ट पे क्या है अबे बोलो रेस्ट पे है पक्का इसका मतलब जितना देखो एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स जो भारी होगा अपने तरफ हमने इसको खींचा तो उसमें उतना ही क्या पैदा हुआ इसीलिए रबर ऐसे क्या है अबे जैसे ये मान लो एक तो ये स्प्रिंग लटक रही इसको हमने खींच लिया खींचा स्प्रिंग किस उसमें है
रेस्ट पे। इसका मतलब जितना हम फोर्स लगा रहे उतना ही फोर्स स्प्रिंग में क्या हो रहा है, उधर एक्टिव। बोलो सही है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये किस में रहेगा, इसका मतलब आमना इज इक्वल टू, तो इसका मतलब इंटरनल फोर्स को दूसरे मीनिंग में हम लोग क्या बोल सकते हैं, डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब स्ट्रेस का फॉर्मूला एक और बन गया, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। डिफॉर्मिंग फोर्स, फोर्स न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर मत कहिएगा, क्यों नहीं कहिएगा, हम सब बताएंगे, क्योंकि प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है? और ये डिफॉर्मिंग फोर्स कहीं भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर लगे। अगर परपेंडिकुलर एक्ट किया तो प्रेशर बोल सकते हो, अन्यथा प्रेशर बना लीजिएगा। स्ट्रेन, अगला लिखो स्ट्रेन, हेडिंग जल्दी जल्दी लिखो, अगला लिखो स्ट्रेन, क्या लिखो स्ट्रेन जल्दी से, क्या लिखो स्ट्रेन, ठीक लिख लो जरा स्ट्रेन। द रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन, द रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन, द रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, द रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन, इज कॉल्ड स्ट्रेन। अब रिलेटिव चेंज का मीनिंग समझो, रिलेटिव चेंज का, अभी जब हम अलग अलग पढ़ाएंगे ना यंग वंग, तो उसमें सब में अलग अलग लगेगा, तो उसमें लिखवा दे, क्या फायदा, 25 तो हेडिंग बना, एक जगह पढ़ लो ज्यादा। जैसे यंग में टेंसाइल लगता है तो वहीं टेंसाइल लिखवाएंगे, ठीक। अब चलो, अब शांति सुनो, ओए इधर ध्यान से, स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, रिलेटिव चेंज। अब वो रिलेटिव चेंज कोई भी हो सकता है, लेंथ में हो सकता है, वॉल्यूम में हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखो समझो ध्यान से, फोकस, जैसे मानो आप बोर्ड के एग्जाम में 33 नंबर पाते हो आउट ऑफ 100, रिलेटिव चेंज का मीनिंग पहले समझो, तुमको आसानी समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, मगर हम वो टेक्निकल लिखा देंगे ना तो तुम्हारे कहेगी क्या करें, हमको समझ नहीं आया। देखो 33 नंबर पाए हो, 33 मार्क्स पाए हो, किस में पाए हो, 33 नंबर पाए हो किसके रिस्पेक्ट में पाए हो, जितना बोल रहे उतना बोलते चलो, 33 नंबर पाए हो किसके रिस्पेक्ट में, ये 33 मार्क्स पाए हो किसके रिलेटिव पाए हो, ये चेंजेस आए हैं किसके रिलेटिव, तो ये जो 33 नंबर आया किस में आया है, 100 में। तेजाब डाल दूंगे तेरे मुंह में, शाम का समय है, लक्ष्मी हमारे यहाँ कहा जाती बैठी होती, लक्ष्मी और सरस्वती, और बैठी तो तेजाब डाल दूंगी, समझ लो तू अगली बार बोलने लायक नहीं रहेगा। आ गया समझ में? अब सुन, जैसे सपोज करो ये एक रॉड है, ये क्या है, ये लंबाई कितनी है, L है, ये इसकी ओरिजिनल लंबाई है, ये क्या है, तुम सपोज करो किसी तरीके से कोई डिफॉर्मिंग फोर्सेस लगाए और इस रॉड में इतने का चेंज लाए, ये चेंज आया ना लंबाई में, क्या आया, तो अब ये डेल्टा L आया किस में, ये डेल्टा L आया किस में, अबे बोलो ना यार, तो क्या बोलोगे, डेल्टा L आया किस में, तो इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या, रिलेटिव चेंज। क्या बोलेंगे, रिलेटिव चेंज इन कहां आया, लेंथ में, किसमें आया, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत बढ़िया, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इतना लिख डालो। रिलेटिव चेंज का मीनिंग समझ में आया कि नहीं, ये डेल्टा एल का चेंज आया किसके रिलेटिव आया, एल, लिख लो जरा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इतना लिखो जरा। आ गया, थोड़ा सीरियस रहिए, बढ़िया से पढ़िए, है कि नहीं है,
सीरियस रहने पे थोड़ा सिलेबस अच्छा चलता है कि नहीं है? रफ्तार जो कॉन्स्टेंटली है, सिलेबस की रफ्तार हमेशा कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नेट फोर्स क्या होना चाहिए? तो आदमी के ऊपर स्ट्रेस नहीं। समझ गए बात में दम? जो तुम्हारा च्युइंगम है ना, लकड़ी डाल के गले के अंदर डालेंगे, समझ लेना, समझ लेना। और लकड़ी को ऐसा मोड़ देंगे, प्लास्टिक प्रॉपर्टी है। कैसी है? और जब मुड़ जाए ना, तो फिर उसका दूसरा टोक भी गले में डाल देंगे, तो वो ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी। हाँ, तो लकड़ी इलास्टिसिटी दिखाना तो चाहेगी, मगर दिखा नहीं पाएगी, फंस जाएगी। आ गया समझ में? अगला लिखो, बतिया लो जी भर के, तुम लोग पहले बताएं। मान लो ये है बॉडी, क्या है? अब तुमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स सोर्स लगाया, तुमने कोई डिफॉर्मिंग फोर्स सोर्स लगाया, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है? मान लो वी है, वी। तुमने सिमेट्रिकल फोर्स लगाया, तो ये बॉडी का शेप तो नहीं बिगड़ेगा, साइज छोटा हो जाएगा। तो कितने का चेंज आया वॉल्यूम में? कुछ चेंज आया वॉल्यूम में? तो डेल्टा वी आया तो किसके रिलेटिव आया? तो इसको बोलते हैं क्या? रिलेटिव, रिलेटिव चेंज इन कहां आया? वॉल्यूम में आया। किसमें आया? तो इसको हम लोग बोलते क्या है? वॉल्यूमेट्रिक। क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक चेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या वॉल्यूमेट्रिक चेंज नहीं, स्ट्रेन बोल दो। क्या बोल दो? इतना लिखो जरा। तो मैं कहां कह रहा हूं, रेडियस से क्या बनता है बच्चा? बोलते हैं शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? जैसे सपोज करो, हमने आपको अभी बताया ना, क्यूब को सामने से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, क्यूब का फ्रंट देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। अगर उस पे तुम टेंजेंशियल, देखो टेंजेंट का मतलब होता है कि उस बॉडी को टच करती हुई लाइन, इसको बोलेंगे क्या? जैसे तुम टेंजेंट बनाते हो तो ये बॉडी को क्या करती हुई जा रही है, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स? बोलो सही है, कैसा फोर्स है ये? अगर तुम इसमें ऐसा फोर्स बच्चों लगाओगे तो ये बॉडी ऐसे हो जाएगी कि नहीं? ये बॉडी कैसी हो जाएगी? ऐसे होगी कि नहीं? अबे ये कार्टून है, उसको तुम ऊपर से ऐसे धक्का दो तो वो कार्टून ऐसा नहीं हो जाएगा? इमेज बनाओ, ऐसे कार्टून है, उसको तुम ऐसे ऊपर से ऐसे धक्का दो, उसी ऐसे, तो वो ऐसे हो जाएगा, वही चीज। अब देखो इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है? क्यूब का साइड कितना है? एल। मान लो कितना मुड़ गई? एक्स। कितना मुड़ गई? और ये क्या है? एंगल है। ये क्या है? वैसे बुक में इसको फाई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? अब सुनो ध्यान से, सुन ले ध्यान से, ओए बोल, इसको बोलते हैं क्या? शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन का मतलब पहले समझो, सुनो, स्ट्रेन का मतलब होता है रिलेटिव चेंज। क्या होता है? इसमें रिलेटिव चेंज कैसे समझेंगे? इसमें कहोगे सर चेंज तो आया, कितना आया? एक्स। किसमें आया? समझ गए? फिर से, चेंज कितने का आया? इतना चेंज हुआ, किसमें आया? एल में। तो इसको बोलते हैं क्या? शियर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? और सुनिए शांति से, मैथ वाले ध्यान से, एंगल वेरी स्मॉल हो, ये आज नहीं फिजिक्स में ट्वेल्थ तक ये अप्लाई होगा, ऑप्टिक्स में तो खास तौर पे, एंगल वेरी स्मॉल हो तो टेन थीटा को हम डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को डायरेक्टली वन, वन एंगल वेरी स्मॉल। एंगल क्या? वेरी। ये मैथ वाले सर से पूछिएगा क्यों, और बायोलॉजी वाले दिमाग में बिल्कुल रख लें, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से खोला जाता है, तो सबसे पहला जो टर्म होता है वो थीटा होता है, बाकी टर्म बढ़ता चला जाता है, तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? थीटा होता है। बाकी बहुत टेक्निकलिटी में मत जाओ, बस इतना समझ लो कि थीटा बहुत छोटा होगा तो टैन को थीटा, साइन को थीटा, कॉस को वन, इतना बात समझे। अब सुनो, अगर मान लो ये लोहे की होती, क्या होती? सोच लोहे का क्यूब होता,
तुम शियर ये फोर्स टेंजेंशियल लगा रहे होते तो क्या 30-40 डिग्री मुड़ गया होता क्या? बहुत माइन्यूट सब होता भी तो बहुत छोटा सा एंगल, तो एंगल क्या रहता, ये एंगल कैसा रहता? वेरी स्मॉल, बोलो सही है। अगर बच्चों वेरी स्मॉल, अगर हम टेन फाई लगाएं तो वेरी स्मॉल है तो टेन फाई को क्या बोलोगे? और टेन होता क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बेस कितना है? तो हम यहां पे शियर स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं? टेन फाई। क्या बोल सकते हैं? टेन फाई, और चाहे तो फाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? और चाहे तो एक्स बाई एल बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? ये इतने का चेंज आया किसमें आया? एल, लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन, ये चीज है। आ गया बच्चों, एक चीज ये समझिएगा सब लोग, आप तीन तरीके का स्ट्रेन पढ़ चुके हो। कितने तरीके का? क्या पढ़े हो? डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा वी अपॉन वी, और एक्स बाई, ये तीन तरीके का स्ट्रेन पढ़े हो। अब देखो ये क्या है, लेंथ का रेशियो, ये क्या है वॉल्यूम का, ये भी क्या है लेंथ का, तो ये यूनिट होगी इसकी, मीटर अपॉन मीटर कट गया, मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब कट गया, मीटर अपॉन मीटर कट गया। इसका मतलब ये यूनिटलेस है, ये क्या है? और डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये हुआ, ये तीनों क्वांटिटी है क्या? ये तीनों क्वांटिटी स्ट्रेन है, और ये क्या होंगी बच्चों? यूनिटलेस होंगी, और क्या होंगी? डायमेंशन लेस होंगी। इतना लिख लो पहले।